तो कोरोना काल में आम जनता के साथ ही जो परेशानियां हैं अलग अलग जगहों पे भी देखने को मिल रही है, तो अब परेशानी जो है आपको देखने को मिल रही है ओला टैक्सी ड्राइवर्स जो हैं पटना एयरपोर्ट पे। इन लोगों का आरोप है कि वहाँ के जो लोकल पार्किंग वाले हैं वो इनके साथ दबंगई करते हैं और इन्हें तमाम लोगों को जो है वहाँ से निकाल दिया गया है, हटा दिया गया ओला पार्किंग वाले को। तो तमाम लोग तेज प्रताप यादव के आवास पर पहुँचे हैं, तेज प्रताप से उन्होंने गुहार लगाई है कि इनकी मदद की जाए। ये तमाम जो लोग आप देख रहे हैं तमाम ओला ड्राइवर्स हैं और एयरपोर्ट में जो है ये लोग अपनी गाड़ियाँ लगाते हैं, लेकिन किसी कारणवश यहाँ पर दबंगई की वजह से इन लोगों को वहाँ से हटा दिया गया है। इनकी न तो पुलिस मदद कर रही है और न ही प्रशासन इनकी किसी तरह की मदद कर रही है, और यही वजह है कि ये लोग तेज प्रताप जी के आवास पे आए हैं इनसे मिलने के लिए और अपनी अपनी समस्या को रखने के लिए। तो देखिए इनकी बातचीत चल रही है और अपनी अपनी समस्या जो है रख रहे हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि इनके साथ दबंगई की जा रही है और उन्हें जबरदस्ती जो है वहाँ से हटा दिया जा रहा है। कभी किसी को मार देना, कभी किसी को पीट देना, कभी किसी को मार देना, ये जानलेवा हमला किया गया, चाबी निकाल कर सीसीटीवी कैमरा भी वहां पे रिकॉर्ड हुआ। कोरोना टाइम में तो अभी हल्का भी तबियत खराब होने पर नहीं भर्ती कर रहे हैं मेडिकल में। सर मेरा कहना अगर मेरी जान चली जाती तो कौन देखने वाला था, कोई नहीं देखने वाला। आज भी खुले हैं, वो लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं, पार्किंग प्लॉट में आ रहे हैं, मगर कोई कार्रवाई नहीं। सर मैं थाना में गया, खाली इतने जानकारी के क्या कार्रवाई, क्या 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 हो रहा है। जब आपको मारा गया तो आपने एफआईआर किया? जी सारा चीज हुआ सर, पेपर हमें नहीं मिली सर, हमें कॉपी नहीं दिया। आपको मिला होगा ना? कॉपी नहीं मिला होगा ना? कॉपी आपके पास है ना, आप लिखे हैं? वो ये लिख रहे थे लेकिन उन्होंने कॉपी बोला कि हमारे पास शायद बीमार है टाइपराइटर, तो जो एप्लीकेशन था वो बोले कि एप्लीकेशन पे हम साइन कर दिए, आप फोटो खींच लीजिए। तो एप्लीकेशन का फोटो कॉपी नहीं दिया, फोटो खींच लिया वहाँ से, नकल नहीं मिला। वो आज हमसे बोल रहे की कब केस होगा। और एक आवेदन लिखिए ताकि आप लोग अस्थायी एक जगह मिले, उसके लिए आवेदन। मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि ये चार दिन हो गया पानी, 14 तारीख की घटना है, आज भी वो लोग खुले घूम रहे हैं, क्या कार्रवाई किया जा रहा है, ये हमारा हक है जानने के लिए। तो जानने के लिए तो आप सरकार से ना मांग कीजिएगा। जी सर, जानने का ये जो क्या मामला क्या है, आप लोग यहाँ पहुँचे? मामला ये है कि हम लोग ओला टैक्सी वाले हैं, ठीक है। कुछ दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले हमारे ये जो भाई हैं राजू जी, जिनके साथ ये घटना हुई, वो एयरपोर्ट पे गाड़ी लगा के बैठे हुए थे, जिनमें से कुछ प्राइवेट टैक्सी वाले जो एयरपोर्ट से चलते हैं, मुकेश चंदन 3-4 टैक्सी वाले आए थे, उन्होंने इनसे पूछा तुम कौन हो, यहाँ क्या करो। वो बोला भैया हम ओला वाले हैं, हम यहाँ आ रहे हैं, हमको अगर नहीं मिलता पार्किंग दे के हम चले जाते हैं, प्राइवेट पैसेंजर नहीं उठाते, हमको ऑनलाइन मिलता है। उसके बाद इन लोगों ने इनके गाड़ी का चाबी लिया और उस पर जानलेवा हमला किया। वो अपने बचाने के लिए हाथ इधर से इधर दिया, आप फोटो भी देख सकते हैं। अभी बातचीत की है, हम तेज प्रताप जी से भी जानना चाहेंगे, पहुंचे हुए हैं अपनी फरियाद लेकर, ओला ड्राइवर्स हैं, गरीब लोग हैं, लॉकडाउन की वजह से इनके भी परेशानी बढ़ी, लेकिन पुलिस इनके साथ अत्याचार कर रही है, शिकायत लेके आए हैं, क्या कुछ इन्होंने कहा आपको? देखिए इन लोग का शिकायत है कि वहाँ पर लोगों लगाने नहीं दिया जा रहा पार्किंग में गाड़ी, और इन लोग को भगाया जा रहा है, लोगों के साथ हाथापाई किया जा रहा है। तो कोरोना काल में आखिर ये जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, कोरोना काल चल रहा है, इनके पीछे कई एक परिवार है, इनके बच्चे हैं, परिवार होंगे, तो ऐसा कोरोना काल में अगर मान लीजिए सबको हटा देते हैं, किसी के पेट पर लात मारना, ऐसे ही लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, कोई आदमी घर से बाहर निकल नहीं रहा, और ऐसे सिचुएशन में सरकार को इनको पूरी तरीके से मदद करना चाहिए। इनका कहना है कि प्राइवेट टैक्सी वाले दबंगई करते हैं, पुलिस उनका साथ देती, यहाँ पर भी जो है एक तरह से कहा जाए तो गलत चीज़ें की जा रही, मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। हाँ पूरे तरीके से देख लीजिए, नाइंसाफ़ी हो रही है इनके साथ पूरे तरीके से, और सरकार इसमें हाथ पे हाथ देकर रुक बैठी हुई है, कोई मदद नहीं कर रही है। ठीक है, आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिएगा। पूरा कोशिश कर रहे हैं हम अपने तरफ से। बिल्कुल, ये थे तेज प्रताप यादव। जाहिर सी बात है जब सरकार नहीं सुनेगी तो लोग जो हैं अपनी परेशानियां लेके, लगातार इससे पहले भी ऐसा कई बार हुआ है कि तेज प्रताप यादव के पास अपनी फरियाद लेके बड़ी संख्या में लोग पहुंचते, और आज ओला ड्राइवर्स यहां पे पहुंचे थे, अपनी परेशानी बताई। फिलहाल इनके परेशानी को तेज प्रताप ने जल्द से जल्द दूर करने का वादा तो कर दिया है। अपने सहयोगी मुन्ना शर्मा के साथ तैलर भारत, पटना के लिए विशाल सिन्हा।